आप लोग देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारे सुपरवाइजर सांत वाले श्री प्रदीप शर्मा जी और ये हमारे साथ में टेक्नीशियन भाई भी हैं, उनसे भी बात कीजिए। है ना आई एम TCT ऑफ द हीरो मोटो कॉरपोरेशन ब्रीशा और हमारा बहुत ही अच्छा सीनियर वर्कशॉप जिसमें हमारे हेड मैकेनिक का नाम है श्री मान लिया जी। ये एक BS6 मॉडल की गाड़ी है जिसके अंदर अभी MIL नहीं आ रही है, उसको अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। चेक करने का तरीका MIL को, जैसे कि हमारे कैमरामैन से मैं बोलना चाहूँगा कृपया करके यहाँ पे पीली बत्ती जो आती है उसको MIL बोला जाता है। ये माल फंक्शन इंडिकेटर होता है जो कि BS6 मॉडल में अगर कोई FI से रिलेटेड कोई कंप्लेंट होती है तो ये फंक्शन ऑन हो जाता है। ये स्टार्ट करने के 60 सेकेंड में के अंदर अंदर ये बंद हो जाना चाहिए, मगर ये अभी आ नहीं रहा है। मतलब हमारा जो FI सिस्टम है वो अभी वर्किंग में नहीं है, गाड़ी बंद आई है। कस्टमर का बोलना है कि ये गाड़ी चलती है फिर वो पीली वाली बत्ती आती है, तो अभी हम लोग क्या है इसको चेक कर रहे हैं। हमारे साथ एक सीनियर बंदा जो हमारे सीनियर टेक्नीशियन है आकाश जी, आकाश सेन करके, तो वो अभी चेक कर रहे हैं। और सबसे पहले चेक करने का तरीका ये होता है कि जैसे आप मेन लोग हैं, मेन लोग के पास इधर दिखाइए थोड़ा सा, मेन लोग के आपने निकाला, निकालने के बाद में ये 4 सर्किट होते हैं, इन दोनों को आपस में करना है। फिर इसके बाद में ये पास में जो होते हैं इनको आपस में करना है। तो इससे क्या होता है कि इससे पता चल जाता है कि हमारे मेन लॉक में कोई ख़राबी तो नहीं है। अभी इसके कोई मेन लॉक में ख़राबी नहीं है, इसका FI से रिलेटेड सिस्टम है जो उसको हम ECU बोलते हैं, ECU प्लस टोटल बॉडी कंबाइंड में आता है। तो अभी हम लोग उसको चेक कर रहे हैं, जैसे कोई अपडेट निकलती है तो हम आप लोगों को सूचित करते हैं। तो करेंगे चेक करने के लिए वैसे प्रॉपर उसमें बैटरी वोल्टेज भी दिखा जाएगा, ये टोटल बॉडी प्लस कंबाइंड ECU है इसके अंदर। ये पहले जैसे आप देखते थे यहाँ पर कार्बोरेटर लगा रहता था, स्लाइड अभी भी है, मगर अभी इसमें मेन अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से अभी इसमें हार्नेस को चेक कर रहे हैं। जो हार्नेस में क्या होता है कि हार्नेस में अगर कोई वायर लूज हो या ऐसा कुछ हो तो उसको भी देखा जाता है। बाकी अब आप लोग देखिए थोड़ा, मैं इस गाड़ी को रुकवाता हूँ। इसके बाद फिर हम फ्यूज़ भी चेक करते हैं, कहीं फ्यूज़ तो इसका शॉर्ट नहीं हो गया है, और जैसे शॉर्ट होता है तो उसको चेंज कर देते हैं। मल्टीमीटर से भी इसकी कनेक्टिविटी को कंटिन्यूटी को चेक करेंगे इसके बाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी हमारे मल्टीमीटर से हमारे सीनियर टेक्नीशियन आकाश जी चेक करेंगे। चेक करने का तरीका, पहले मल्टीमीटर को प्रॉपर चेक किया जाएगा, इसका जो बजर साउंड है वो आ रहा है प्रॉपर है नहीं आ रहा है, तो उसमें एक आवाज़ आती है पी करके या फिर बीप आती है या फिर पी, हमारी देसी भाषा में इसको पी बोला जाता है। इसमें कुछ रीडिंग भी शो होती है कि यह इससे कंटिन्यूटी चेक हो सकती है। अब मैं आगे देखूंगा, इसमें एक बैटरी के प्लस पे लगाइए एक वायर को, हाँ लगाओ ना बैटरी के प्लस पे लगाओ एक, और एक हमारा इधर आ जाएगा, इससे हम ये देखेंगे एक ये इधर आ जाएगा मेन लॉक पे, मेन लॉक पे आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मतलब करंट आ रहा है, ये हमारे मेन लॉक कंटिन्यूटी आ रही, मतलब करंट आ रहा है, कहने का मतलब अब यहाँ से हमें आगे सप्लाई देना है। इससे इस पर भी आ रहा है, ये वाला काला वायर इधर से गया है, कहाँ गया है, ये टोटल बॉडी गया है। चलो टोटल बॉडी कहाँ है, इधर है। अभी टोटल बॉडी को अपन चेक करेंगे, यहाँ से करंट आगे पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा। इसको प्रॉपर खोलने के लिए बहुत सावधानी पूर्वक खोला जाता है, और अभी मेरे को ये ढूंढना पड़ेगा इसका ये ब्लैक ऊपर सिल्वर वायर कहाँ पर है, उसके लिए 2 मिनट आप इसको होल्ड करेंगे। मेरे ब्लैक वाला प्लस वायर होता है वो इधर होता है कॉर्नर पर, ये देखिए आपको बीप की आवाज़ आ रही होगी जो कि यहाँ तक करंट आ रहा है, मतलब यहाँ तक करंट सप्लाई भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको अपने आगे चेक करने के लिए अभी इसकी टोटल बॉडी न्यू डालना पड़ेगी। टोटल बॉडी ये वाली होती है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये होती है इसकी टोटल बॉडी जो कि अभी ख़राब हो चुकी है कंपनी के थ्रू, इसमें मैग्नेटी मरेली की है इसमें। और अभी इसको क्या चेक करने के लिए इसमें ऑप्शन कुछ नहीं है क्योंकि अपन इसको चेक नहीं करते, इसका एक टूल आता है जो कि इसमें 32 पिनों का आता है, उससे अपन चेक कर सकते हैं इसका करंट बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा। जैसे कि अपनी पहले BS3 मॉडल और 4 मॉडल की गाड़ियों में CDI होती थी, अभी कंपनी की तरफ से इसमें इश्यू आ गया, यही पूरा कमांड भेजता है, कमांड के रूप में एक करंट सप्लाई करता है जिससे वो कमांड पहुँचती रहती है हर एक सिस्टम को। इसको इंजेक्टर बोला जाता है, यहाँ पर इसका काम होता है पेट्रोल का चेकअप करना, सही समय पर करना, उसका काम करवाने का जो जिम्मेदारी ली है वो हमारी ECU ने ली है।
तो कब करवाना है, कैसे करवाना है, कितना करवाना है, उसके लिए ये देगा। तो जैसे कि आपने देखा था अभी मल्टीमीटर की सहायता से अपन ने चेक किया था कि यहाँ तक का जो करंट है, जो सप्लाई है, वो अभी वर्किंग में थी। अब अपने ये देखना है कि इसका जो ईसी और टोटल बॉडी जिसको बोला जाता है, इसको चेक करेंगे ये ख़राब है या नहीं है। उसके लिए हमने नया पार्ट अरेंज कर लिया है, अभी उसको लगा के देखेंगे। जैसे कि हमारे टेक्नीशियन आकाश जी से मैं बोलूँगा कि दो मिनट उसको लगा के बताएं। आकाश जी इसको लगाना है, लगाइए। तो हमारे बीच मतलब जो आकाश जी आ चुके हैं वो लगा के अभी इधर ऊपर अभी इसको चेक करते हैं इसका ईसीओ ख़राब है या नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें माल पंतंग का जो इंडिकेटर है वो अभी आ चुका है, और मतलब कि इसमें अभी ईसीओ ख़राब है। ये अपना जो है कि चेक हो चुका है कि इसके अंदर टोटल बॉडी प्लस ईसीओ चेंज होने से स्टार्ट हो जाएगी ये गाड़ी। तो मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ। कृपया करके आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जो कि आपको आगे से आगे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो हम लोग भेज सकें, हमारी मेहनत को आप सफल करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।